हेलो फ्रेंड्स, कुमित की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये रेसिपी बनने जा रही है। आप लोगों ने बहुत तरह से इसको बनाया होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग और यूनिक है। इसके लिए आपको शिमला मिर्च, आलू और एक प्याज, एक बड़ा सा लहसुन और 6-7 हरी मिर्च लेनी है। इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए, प्याज को छील लीजिए, आलू छील लीजिए, फिर सभी को कट कर लीजिए। जिस तरह से ये कटा हुआ है इसी तरह से आपको कट करना है। कट करने के बाद आप इसको एक तरफ रख दीजिए। इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी ये रेसिपी बन करके तैयार होती है कि आप लोग उंगलियां चाटती रह जाएंगी। इसमें मसाले का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालिए और बाकी ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का टुकड़ा, छोटा छोटा पीस कटा हुआ, एक साथ ही इसको आपको डालना है। जीरा चटकने के बाद ये सारी सामग्री एक साथ डाल दीजिए। अलग अलग आपको कुछ भी नहीं डालना है। अब ये जब सुनहरे कलर का हो जाए तो इसमें शिमला मिर्च और आलू कट करके डाल दीजिए। जैसे आप भुजिया बनाती हैं उसी तरह से इसको काटना है। काटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, जो आपको पानी फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने शिमला मिर्च और आलू धुल करके डायरेक्ट काट दिया है, इसको पोंछा नहीं है, क्योंकि इसी पानी से काफ़ी टेस्टी ये बन करके तैयार होती है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए और स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डालिए। नमक डाल करके थोड़ा सा चलाइए। चलाने के बाद इसको आप ढक दीजिए। जब ये आधा पक जाएगा तब इसमें आपको और कुछ सामग्री मिलानी है। चला करके देख लीजिए कि ये पका हुआ है कि नहीं। इस तरह से चलाइए और फिर इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद आप इसको खोल दीजिए। खोलने के बाद 2-3 मिनट और आपको चलाना है। देखिए 80% ये सब्जी बन करके तैयार हुई है। शिमला मिर्च और आलू की ये भुजिया रेसिपी है, काफ़ी टेस्टी बनती है। आप इसे दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हैं। अब इसमें 2 बड़े आपको टमाटर कट करके डालना है, उसका बीज नहीं निकालना है, बीज सहित आपको टमाटर कट करके डालना है। इसको भी धुल करके डायरेक्ट आपको डाल देना है और डाल करके इसको चला करके सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ढकना है। टमाटर बहुत ज़्यादा गल करके मिलना नहीं चाहिए, इसमें पीस पीस देखना चाहिए। देखिए कितना कलरफुल ये सब्जी बन करके तैयार हुई है। कौन कहेगा कि इसमें मसाला नहीं है। बिना मसाले की ये सब्जी बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप इसे डिनर में, लंच में, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं। काफ़ी ये हेल्दी और टेस्टी दोनों तरह की ये सब्जी बन करके तैयार हुई है। मैं जानती हूँ आपको ये अवश्य पसंद आएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये डिनर रेसिपी कैसी लगी। बहुत झटपट बन जाती है, सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप